गाइस, कॉलोनी के अंदर फाइट होना और बर्ड से एक दूसरे से लड़ाई करना ये एक कॉमन सी बात है। कोई फीमेल किसी बॉक्स के ऊपर कब्जा कर ले, किसी मटकी के ऊपर कब्जा कर ले, ये एक बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन एक बर्ड्स ब्रीडर या बर्ड्स लवर तब परेशान हो जाता है जब उसकी फीमेल किसी ऐसी मटकी के अंदर घुस जाती है, ऐसे बॉक्स के अंदर घुस जाती है जिसके अंदर बच्चे होते हैं, और वो उन बच्चों को मार देती है। तब देख करके बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में यही शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी एक बहुत छोटी सी एवरी जिसके अंदर मैंने ये बजीज पैरट्स रख रखे हैं। अब इन बजीज पैरट्स के अंदर फाइट होती है, ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं होती, और फाइट की वजह से एक छोटा बेबी, मतलब जिसको निकलना चाहिए था 25 दिन बाद या फिर जो है ना 30 दिन बाद, वो थोड़ा जल्दी बाहर आ जाता है। और जल्दी बाहर आ जाने की वजह से कोई बर्ड्स या फिर कोई मतलब मेल उसको परेशान करके मेटिंग करने के लिए उसको मार देता है। तो इसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं फाइट है, ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत कम लेवल पर है, मेरे यहाँ पे बहुत कम है। उसका रीज़न क्या है कि मैंने एक लिमिटेड एरिया में, मतलब मेरे पास जितना एरिया है हमने उसी के हिसाब से बजीज पैरट्स रख रखे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप कम एरिया हो और उसके अंदर बहुत सारे पेड़ भर लो, और उसके बाद आप सोचो कि ये जो है ना अच्छे से ब्रीड करें, लड़ाई झगड़ा करें ना करें, सॉरी लड़ाई झगड़ा ना करें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप एक एरिया के अंदर, सपोज दैट मेरी ये जो कॉलोनी है ये तकरीबन जो है ना 7-8 फीट ऊंची है, एंड अगर लंबाई की बात करें तो वो भी कुछ इसी तरह से है ना, और इसके अंदर जो हमने पेड़ रखे थे, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 4 फीट के ज़्यादा चौड़ी है ये। तो इतनी बड़ी एवेरी के अंदर मैंने तकरीबन 25 पेयर 26 पेयर के हिसाब से रखा है, ताकि जो है ना जो लड़ाई का मसला है वो ना हो। अब आपके पास 4x4 की जगह है, अब आपने उसके अंदर 20 पेयर 25 पैरट्स डाल दिए, तो होगा क्या कि आप उनको बॉक्सेस दोगे और मटकियां दोगे, फिर होगा क्या कि वो जो है ना एक दूसरे को परेशान करेंगे, एक दूसरे की मटकियों में चेक करेंगे, फिर होगा क्या कि लड़ाइयाँ होंगी। तो आप सबसे पहले क्या करो कि आप एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड बर्ड्स रखो, ना कि बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। एंड दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइट होने की वजह, वो ये है कि हम जो है ना जैसे हमने 20 पेयर रखे तो हम क्या करते हैं कि मटकियाँ कम रखते हैं या बॉक्सेस कम लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको करना ये होगा कि अगर आपने 20 पेयर 25 पेयर रखे हैं तो कम से कम आप जो है ना 22-23-24 मटकियाँ लगाएं। इससे क्या है कि कुछ मटकियाँ आपकी खाली रहेंगी और फिर बर्ड्स जो है ना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब एक मटकी में बर्ड्स गया, और बर्ड्स का यार नेचर है, वो क्या देखता है कि एक फीमेल जिस मटकी में जा रही होती है दूसरी फीमेल भी कहीं ना कहीं उसमें ही जाती है, लेकिन अगर वो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेती है तो वो दूसरी फिर ढूंढने लगती है, किसी और मटकी को चेक करने लगती है, उसको चूज़ करने लगती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर पता चला उनके पास मटकियाँ कम हैं और उनको उसी में ब्रीड करना है, तो फिर होगा क्या कि लड़ाइयाँ तो होनी होनी है, नॉर्मल सी बात है, झगड़े तो होने ही होने हैं, और फिर झगड़े ये इस लेवल तक चले जाते हैं कि एक दूसरे के मारने की नौबत आ जाती है। मेरे साथ में भी पहले होता था और मैं जो है ना समझ नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सिचुएशन को समझा और उसके बाद उसके ऊपर वर्क किया, तो यार रिज़ल्ट अब आपके सामने है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और बर्ड्स भी एकदम हैप्पी हैं। थोड़ी बहुत जैसा मैंने कहा लड़ाइयाँ वो हमेशा होंगी, हमेशा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा।